रही है क्या? हाँ माँ, एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। पर इतनी जल्दी क्या है, कॉलेज की तो छुट्टियाँ हो गई ना। माँ इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, आकर बताती हूँ। अरे पर बात सुन, अरे तूने तो नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। ओहो कह दिया ना, देर हो रही है। आजकल की लड़कियां भी अजीब है, हर काम में चलती हर काम में चलती। ये सिर्फ एक औरत का ही सवाल नहीं, आज की नई रोशनी में औरत जात पर जो जुल्म हो रहे हैं, मैं उनके लिए इंसाफ मांगता हूँ। मुजरिम ने इस मासूम लड़की के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे किस बेरहमी के साथ अपनी चालबाजियों का शिकार बनाया, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं इसे खून कहूंगा, खून से भी बदतर गुनाह। एक भोली भाली लड़की के दिल से खेलना, उसकी जिंदगी बर्बाद करना, जबकि उस बिचारी को यह भी नहीं मालूम था कि उसके आसपास चक्कर काटने वाला इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक भेड़िया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेंड। इस लड़की को फिर एक बार गौर से देखिए योर ऑनर, क्या इसे देखकर यह नहीं मालूम होता कि यह एक मासूम कोमल कली है, इसकी जिंदगी को इस शैतान ने अपने हाथों मसल दिया है। ऑब्जेक्शन। अब इसके भविष्य पर नजर डालिए योर ऑनर, इसके लिए समाज में कोई जगह नहीं। इस धोखेबाज के प्यार में अंधी होकर इसने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया, अपने मां बाप की नसीहतों तक की परवाह न की, और बदले में क्या मिला इसे? बदनामी, रुसवाई, जलालत। अब इस हालत को पहुंचाने वाले को देखिए, कितना शरीफ मालूम होता है। हम और आप भी इसे देखकर धोखा खा सकते हैं, और फिर ये तो एक मासूम लड़की है। ये कहता रहा मैं हीरे मोती का एक बहुत बड़ा दलाल हूं। दलाल ये जरूर है योर ऑनर, लेकिन हीरे मोती का नहीं, मुर्गी और अंडे का। योर ऑनर, मैं अदालत से अर्ज करूंगा कि यह शादी फौरन गैर कानूनी करार कर दी जाए और मुजरिम को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो जिंदगी भर याद रखे। आपका क्या हुआ इंसाफ? आजकल के रोमियो ऐसे आशिकों और ये रंगे सियारों के लिए एक मिसाल कायम कर दे। हेलो, कौन? नीलू, मैं मधु बोल रही हूँ। क्या कर रही है? मैं तुझसे फौरन मिलना चाहती हूँ नीलू। हाँ, कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, हम दोनों के बारे में। तो भागती हुई आ जा। अरे कहाँ, क्या? वहीं हैंगिंग गार्डन में, और कहाँ। यहां बैठ, बोलना क्या बात है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तुम मंदाकिनी को जानती है ना? अपनी मंदाकिनी? अरे हाँ, अरे वही ना जो कॉलेज से हफ्ते में 4 दिन गायब रहती थी, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। अब पता चला असल में दर्द कहाँ हो जाता था मैडम को। सुना तो मैंने भी था, तितली की तरह प्रीत के पंख फैलाए अपने फूल से मिलने जाती थी, लेकिन आज उसे देखा नीलू, पंख टूट गए, आंखें धस गई। जाती थी अपने फूल से मिलने, खुद सूखकर कांटा हो गई है बेचारी। कहाँ मिली? मिली नहीं, मैं कोर्ट गई थी, तलाक की अर्जी दी है उसने। तलाक की अर्जी? अरे कल सुहाग रचाया, आज दामन छुड़ाया। हाँ नीलू, वो फूल तो कागज का निकला था, कोई उचक्का, अपने आप को एक बहुत बड़ा रईस बताता रहा, और ये बेचारी भी उसकी बातों में ऐसी आ गई कि उसके लिए बिल्कुल ही दीवानी हो बैठी। न माँ की सुनी, न बाप की मानी, शादी कर ली, लव मैरिज। हाँ, अब पछता रही है, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटा रही है कि किसी तरह डाइवोर्स मिल जाए। डाइवोर्स मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर बैठी ना। ये तो बहुत बुरा हुआ मधु। अरे इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था, हम दोनों का क्या होगा? हम दोनों का? हाँ हाँ, हम दोनों का। हम दोनों भी तो प्रीत के पंख फैलाए उड़ रही हैं, कहीं अपने फूल भी कागज के फूल निकले तो। लेकिन मेरे वो तो कहते हैं कि कहीं मैनेजर हैं। अरे
कहने को तो मेरे वो भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन क्या है हमें क्या मालूम। मंदाकिनी का जो हाल हुआ कहीं हमारा भी हो गया तो। अरे मैं तो न जाने कितने प्रेम पत्र लिखकर अपने हाथ कटा चुकी हूँ। हाथ कटाना कहती है? अरे गला कटाना कहे गला कटाना। पड़ा साहब मुझे एलिफेंटा ले जाना चाहते हैं, और मेरे वो इरोज सिनेमा पे मेरा इंतजार करेंगे, ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड, लेकिन मैं खुद कोल्ड हुई जा रही हूँ। अरे मैं भी, देखना मेरा तो दिल धक धक कर रहा है बाबा। हाँ अब क्या करेंगे, और उन्हें तो शादी कितनी जल्दी है जैसे अभी सहरा बांध कर बैठे हैं, सुबह फोन शाम फोन और बस एक ही रट लगाए हैं। नीलू जिस दिन तुम्हें नहीं देखता रात को नींद नहीं आती। एक दिन मुझे भी तो दिखा ना कैसे हैं वो। आहा हा हा बड़ी चालाक है हा? तूने अपने उनको दिखाया जो मैं तुझे दिखाऊं? कब दिखाती? एक दिन आंख मिली, दूसरे दिन दिल मिले, तीसरे दिन खतों के घोड़े दौड़ने लगे। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ शक्ल देखकर पहचान लूंगी सच्चाई या झूठे। अपने आप को इतना खिलाड़ी ना समझ हा? खुद तो पहचान नहीं सकी अपने उनको। क्या करो नीलू, बातें तो वो भी बड़ी बड़ी बनाते हैं, शादी के नक्शे तो वो भी दिखाते हैं, लेकिन आज रह रह के मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जो हालत उस मंदाकिनी की हुई कहीं मेरी ना हो जाए, और फिर झूठे के सर पर सिंह थोड़े होते हैं। देख मैंने तो तय कर लिया है, जहां मेरे माँ बाप कहेंगे वही मैं शादी करूंगी। हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, माँ बाप अपनी बेटी का बुरा थोड़ी चाहेंगे है ना। लेकिन अब हम क्या करें? क्या करें? अरे उन भंवरों का, अरे मारो गोली उन भंवरों को। क्या मतलब? मतलब ये कट, नहीं समझी? यानी कि कट, CUT, कट। कट यानी आज से अभी से, न चिट्ठी न फोन न मिलना न जुलना, सब एकदम बंद। अच्छा अगर वो वहां से फोन आ गया तो कह देंगे हमारे घर में सबको पता चल गया है और किसी को भी ये पसंद नहीं। सॉरी वेरी सॉरी, वो एलिफेंटा का ट्रिप कैंसिल, और तेरी रॉस का शो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, नो हॉट नो कोल्ड, बी बोल। हेलो मधु। हाँ मधु बोल रही हूँ, कहिए। हाँ ये कहो से कहिए कैसे, वहां कोई बैठा है क्या? नहीं। तो फिर मैं रोज पे तुम्हारा इंतजार करता रहा, भूल गई थी क्या? भूली नहीं, जानबूझकर नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई, क्यों क्या बात है? बात कुछ नहीं, अब मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। क्या ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, मेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया है क्या? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के कहने में आ जाऊं, मैं खुद नहीं चाहती कि आपसे कोई मेल जोल रखूं। भूल जाइए सब, और आइंदा कभी टेलीफोन करने की कोशिश मत कीजिए। योर फोन प्लीज। हेलो, हाँ मैं नीलू बोल रही हूँ। नहीं मैं भूली नहीं। क्या? नहीं नहीं, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम सब झूठे हो, तुम लोगों की बातें भी झूठी हैं, झूठों के सर पर सिंह नहीं होते। पति द्वारा तलाक की मांग स्वीकार, मक्कार पति गिरफ्तार, एडवोकेट नीरज चौधरी की जोरदार दलीलों का चमत्कार। फिर एक सुखी घर का बंटा ढार कर दिया तुमने। कई बार कह चुकी हूं कि ये तलाक वाला के मामले हाथ में ना लिया करो, मगर तुम बाज ही नहीं आते। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, खाली पेट इतनी गर्म मत होइए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाने दो, लेकिन आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। मैं पूछती हूँ कचहरी में दूसरे मुकदमों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं, मगर क्या करूं, मेरे पास जो भी आता है डिवोर्स का ही केस लेकर आता है, और फिर डिवोर्स केस में फीस भी अच्छी मिलती है माय डियर। सच बात तो यह है
डिवोर्स केस लेना आता है किसको? सिर्फ एक है, वो है तुम्हारा नीरज चौधरी। नीरज चौधरी, जानते हो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें क्या कहते हैं? नारद चौधरी। थैंक यू योर ऑनर, ये तो बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। नारद भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। जो दूसरों के घरों में आग लगाता रहता था, इसे क्रेडिट कहते हो? जो किसी के घर को सुखी ना देख सके तोड़कर ही रहे। तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ माय डियर? मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, या मियाँ मेरे पास आता है, या बीवी आती है, जो भी फीस देता है मैं उस तरफ से लड़ता हूँ, फैसला कोर्ट करती है। तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर ये है कि छत में अगर कोई छोटी मोटी सी दरार पड़ जाए तो उसकी मरम्मत करनी चाहिए, ये नहीं कि सारी की सारी ही छत तोड़ दो। दरार वाली छत के नीचे रहना भी तो ठीक नहीं, कभी भी टूट कर गिर सकती है। छत टूटे या ना टूटे मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना कह देती हूँ अगर अब तुम्हारे हाथों कोई दूसरा डिवोर्स केस आया तो वो होगा मेरा और तुम्हारा। हाँ मधु, मधु ये देखो फोटो कितनी अच्छी है। अच्छी है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे ओहदे पर है, और खानदान भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें तो बहुत पसंद आई है। वो कैसे? उन्होंने मुझे कब देखा? अरे तुझे नहीं, तेरी फोटो तो देखी है। हमारा तो ख्याल है तू वहां बहुत सुखी रहेगी। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए है कि शादी तेरी होनी है और तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। तू भी लड़के को अच्छी तरह देख ले, जांच परख ले, अगर तू हाँ कहे तो बात आगे चलेगी। शैतान कहेगी यहां क्या कर रहे? हमें ये कह रहा था। रमाकांत जी ये है मधु की माँ। नमस्ते नमस्ते। अरे बहन जी के तो दर्शन हो चुके हैं। ये है चंद्रकांत की माँ और ये है हमारी भाभी डॉक्टर गिरिजा वर्मा। नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ, आपका नाम कौन नहीं जानता, आज दर्शन भी हो गए। अरे मैं क्या कह रहा था? यही कि हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे ख्यालात अभी तक जवान है भाई। वो जमाना चला गया जहाँ शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझा जाता था। जी हाँ, लड़के लड़की का शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना बहुत जरूरी है, जीवन का भविष्य इसी पे तो निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, विवाह का मतलब केवल शारीरिक बंधन नहीं, मन और आत्माओं का मिलन भी है। सबल संतान के लिए सफल विवाह का होना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बात कही। समदन जी बहुत खामोश हैं। अजी ये बोलते ही बहुत कम है। आपकी चाय ठंडी हो रही है जी। नर्वस फील कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान देने आया हूं। इम्तिहान देने या लेने? जी वो तो मैं अपने लिए कह रहा था ना, मैं इतना स्मार्ट हूं ना इतना डैशिंग और ना ही इतना क्लेवर जैसे कि आजकल की लड़कियां पसंद करती हैं। लेकिन आप कितने शरीफ हैं, क्या ये कम है? मिठाई लीजिए ना। शुक्रिया।
जी अच्छी हूँ मैडम, मैं नीली माँ से मिलने आई थी। अरे तुझे नहीं मालूम, वो तो घर चली गई। घर? लेकिन आज सुबह ही तो मैंने उसे फोन पर बात की थी। हाँ मगर उसका फादर का अर्जेंट लेटर आया था नी, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। ओह, कब तक आएगी? कुछ कह के तो नहीं गई? नहीं तो, मगर तेरा कोई अर्जेंट मैसेज हो तो रख के जा। जी जी नहीं, वो जब आएगी मैं मिल लूंगी। थैंक यू, बाय बाय। हनीमून? वो क्या है? मैंने तो जिंदगी में कभी ये नाम ही नहीं सुना। अरे बोलता क्यों नहीं? मैं समझाता हूँ बेटे, हट जा। लक्ष्मी, हनीमून का मतलब ये है कि शादी के बाद पति पत्नी किसी सुंदर जगह पे जाते हैं, इसी को कहते हैं हनीमून लक्ष्मी। और फिर तुम जानती हो नया जमाना है। अरे नया जमाना है तो क्या हुआ, बाहर में जाए तुम्हारा ये नया जमाना। कितनी रस्में पूरी करनी है, बाहर से कितने मेहमान आए हुए हैं, और ये कहता है मैं हनीमून पर जाऊंगा। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी हमारी भी शादी हुई थी ना? हाँ हुई थी। तो फिर हम तुम हनीमून पर गए थे? नहीं। तुमने कुछ खो दिया उससे? नहीं नहीं ना। तो फिर ये लोग भी हनीमून पर नहीं जाएंगे, बस मैंने कह दिया। क्या बात है, क्यों बरस रही हो? शादी के रात से जो झगड़ा शुरू किया है अभी तक बंद नहीं हुआ। भाभी तुम ही फैसला करो, तुम तो जानती हो कि ये नया जमाना है, शादी के बाद लड़के लड़कियां चाहते हैं कि वो कहीं बाहर जाएं। अरे सुनो तो, मैं बहू को अभी अभी एग्जामिन करके आई हूँ, उसे एक खास किस्म की बीमारी है। बीमारी? हे भगवान, कौन सी बीमारी भाभी? मेटाबॉलिक डिफिशियंसी। मेटाबॉलिक, ये क्या होता है? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि मरीज को फौरन किसी पहाड़ पर भेज दिया जाए। अच्छा। हाँ देखो, लेकिन देर नहीं करनी चाहिए, ये बीमारी बढ़ भी सकती है। ओह ठीक है ठीक है। अरे तुमने सब कुछ समझ लिया? हाँ, हाँ। जाके चंद्रकांत से कहो कि देर नहीं करे, बहू को लेके फौरन किसी पहाड़ पे चले जाए। हाँ, हाँ। और उसके कहना कि हनीमून फिर बाद में कर लेगा। हाँ हाँ, हाँ। समझे?
देखूं देखूं। अब तो तुम खुश हो ना, तुम अपनी खुशी मुझसे छुपा नहीं सकती। जानती हो, शादी के पहले मैंने भी हनीमून के बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे, लेकिन इम्तिहान का आखिरी साल था, मैं जा ना सकी। तुम्हें तो इजाजत मिल गई है ना, एक काम करो, तुम आज ही निकल जाओ, इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आन खड़ी हो। देखो सुनो, यहाँ मेरे पास आओ। तुम्हें एक बात समझाती हूँ, कोई लापरवाही नहीं करना। हाँ, तुम्हें मेरी जरूरत 3 साल से पहले नहीं पड़नी चाहिए, समझी? यहाँ समझ गई बिल्कुल। सपना मधुर सुहाना सपना, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है, आने वाले कल जो है वो आंखों से ओझल है, फिर उस कल की गुजरे पल की छोड़ो बातें करना, जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना। हारा जो बेचारा भूले सुख के साए, हमको क्या गम हमने बदम सीखा है जब हंसना, जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना। बस गए
रंग है ये मौसम, आओ रंग ले हम तुम तन मन इसमें अपना, जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना, जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना, जीवन है दूसरी गाड़ी रात के 9 बजे, सामान लगेज रूम में रख दिया, अब क्या करें? क्या करेंगे? क्या करें? एक टांगा लेते हैं। टांगा? हाँ, आगरे की सैर करते हैं। आप सुनिए, कपूर साहब से कहना वो भेज दे। बड़ी मेहरबानी। अरे अरे चंद्रकांत, अरे बेटे तुम यहाँ आगरे में, यहाँ तो हाँ बेटा कमाल है, ना चिट्ठी ना पत्र ना तार हो। अच्छा क्या कि बहू का भी साथ रहा है? इधर आओ बेटा बेटी। मामा जी आप शादी पे नहीं है इसलिए सोचा? हाँ मैं समझा समझा। अरे तुम्हारी मामी देखेगी वो तो फूले नहीं समाएगी। सामान कहाँ है? सामान कहाँ? सामान लगेज रूम में। लगेज रूम में? लगेज रूम में। यहाँ जा, मकान नहीं है, घर नहीं है, जाओ सामान ले जाओ, जाओ चलो बेटा बेटी। बेटी चलो बेटी। आओ बेटा आओ। अरे कहाँ हो भगवान? अरे देखो तो कौन आए हैं। आओ बेटा अंदर आओ। चंद्रकांत। अरे लाओ भाई सामान अंदर रखो। जीते रहो सुखी रहो बहू, जीती रहो बेटी, सौभाग्यवती रहो। बड़ा अच्छा किया तुम भी साथ में आ गई। हम दो प्राणी इस घर में अकेले रहते हैं, कौन आता है गरीबों के घर में? अरे क्या कहती हो भगवान, कौन आता है गरीबों के घर? ये दो जो इतनी दूर से आए हैं हमसे ही तो मिलने आए हैं, भले हम सगे मामा मामी ना सही लेकिन रिश्ते में तो होते हैं, क्यों बेटा बेटी? तुम दोनों को यहाँ कुछ दिन रहना ही होगा। अरे कुछ दिन की बात करती हो भगवान, कम से कम हफ्ते दो हफ्ते की बात तो करो। आना इनकी मर्जी पर है और यहाँ से भेजना हमारी तुम्हारी मर्जी पर है, क्यों बेटा बेटी? वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन लेकिन क्या बेटा? लेकिन मामी जी हम लोग तो आज ही जा रहे हैं, आज ही की टिकट है ना? अरे तुम टिकट की चिंता मत करो, हम आगे की तारीख डलवा देंगे। हाँ हाँ आगे की डलवा देंगे तारीख। वो तो ठीक है मामा जी, लेकिन लेकिन रिजर्वेशन भी तो आज का है। ओहो कहा ना, तुम चिंता क्यों करते हो, जिस दिन का कहोगे वो भी हो जाएगा। स्टेशन मास्टर तो मेरा लंगोटिया यार है, क्यों बेटा बेटी? नहीं तुम स्टेशन मास्टर को नहीं जानते। अच्छा ये सब बाद में करना, पहले बाजार जाओ, ताजा फल ले आओ, सब्जी ले आओ, जाओ। अरे बहू तुम्हें मीठे में क्या पसंद है, कलाकंद या रसगुल्ला? इन्हें दोनों पसंद है, कलाकंद भी रसगुल्ला भी। आ बेटा ये कमरा तुम दोनों के लिए है, मैं इसे जरा ठीक ठाक कर देती हूँ, बड़ी दूर से आए हो ना, थोड़ा आराम करो। अरे हाँ चंद्रकांत तुम अभी क्या पियोगे, चाय या लस्सी बेटा? मामी जी इन्हें दोनों पसंद है, चाय भी और लस्सी भी। मैं अभी लाती हूँ। कमाल है, कहाँ फंस गए ये लोग, भी भूल गए इनकी भी कभी नई नई शादी हुई होगी। भूले नहीं, इन लोगों ने हनीमून का नाम सुना नहीं होगा। सुना ही नहीं होगा तो मैं क्या करूं? अच्छा इधर आओ। क्या है? इधर तो बोलो। छोड़ो। हाँ
ये भी ले लो बेटी, दे देते हैं। बस अभी खाना तैयार हुआ जाता है। नटखट, मामी जी क्या सोचेंगे? जो सोचेंगे उन्हें सोचने दो, लाओ मेरी चाय। यहाँ के ले जाओ प्लीज। क्यों? सेंसर। मैं पूछ रहा था वो रिजर्वेशन के लिए। वहां कहां घुसे जा रहे हो? तुम्हारी अकल हाथ चढ़ने गई है क्या? पर क्या हुआ? हुआ क्या समझते क्यों नहीं? ये क्या हरकत है? चलो ओफ मधु, कुछ करो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं? मामा तुम्हारे, मामा तुम्हारे। लेकिन लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगनी हो, तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, वरना हनीमून रानी खेत में नहीं, मामा जी के खेत में मनानी पड़ेगी। मामी जी लाइए, मैं आपके काम में हाथ। नहीं बेटी नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठो, इतना क्या कम है? नहीं तो आजकल के जमाने में कौन किसको पूछता है? तो आप मुझे पराया समझती? हैरान, ये क्या कह रही हो? तो लाइए ना। अच्छा अच्छा, ये लो छुरी, खाली कहाँ गई थी है, भिंडी काटो छोटी छोटी है। बस करो, इतनी भिंडी बहुत हो जाएगी। मामी जी। हाँ बेटी। एक बात कहना तो भूल ही गई। क्या? जब मैं 10 साल की थी ना, हाँ, तो मेरी माँ ने एक मनौती मानी थी। कैसी मनौती बेटी? यही कि शादी के बाद हम दोनों को 7 दिन के अंदर रानीखेत जाना चाहिए, वहाँ की वो सबसे बड़ी देवी है ना, क्या नाम है, झूला देवी। हाँ झूला देवी, झूला देवी। उनकी पूजा करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए बेटी, देवी में बड़ी शक्ति है। लेकिन मामी जी आज तो 6वां दिन है ना, अगर आज नहीं निकले तो हम लोग कल तो नहीं पहुँच सकते ना। कैसे कल पहुँच सकती हो, तुम्हें तो आज ही जाना चाहिए। यही तो मैं कह रही थी, झूला देवी में बड़ा सत्य है, अगर नहीं गए तो। अरे राम राम, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें आज ही जाना चाहिए। अच्छा चिंता ना करो, मैं अभी जाने का बंदोबस्त करती हूँ तुम्हारे। अरे कहाँ चले गए, सुनते हो? जरा फुर्सत मिली कि ना मालूम कहाँ भाग जाते हैं। अजी वो
मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया भरा। छोड़ो हम जो भी है, तुम भी तो कम नहीं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करा। मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, आए तो आया करा। से मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया बरा। मेरे प्यार प्यारी नीलू, नटखट नीलू, बिन बताए तो कहाँ चली गई थी। अपनी शादी पर तुझे बुला भी ना सकी। थोड़ा भी स्वाभिमान होता ना मुझमें, ये चिट्ठी तुझे कभी न लिखती और कभी तेरा मुंह न देखती। हाँ, मेरी शादी हो गई है और हनीमून के लिए हम दोनों रानी खेत आए हैं। हाय हाय, कुर्बान जाऊं उस पर जिसने ये हनीमून शब्द ढूंढ निकाला था। चोर कहीं की। चोर? हाँ चोर, तुम मेरा कीमती वक्त चुरा रही हो। मैं तो चिट्ठी लिख रही हूँ। क्या? किसको? अपनी सहेली को। मैं नहीं लिखने दूंगा। क्यों? कोई अपनी प्यारी सहेली को चिट्ठी भी नहीं लिखे। प्यारी सहेली को चिट्ठी लिखने का काम उसके प्यारे पे छोड़ दो। अगर तुम्हें लिखनी है तो मुझे लिखो। तुम्हें लिखो? हाँ, अपने प्यारे को। क्या तुम कहीं दूर हो?
तो देखा नीलू कितने स्वार्थी और दुष्ट हैं ये। दुष्ट ही नहीं, उस शेर से भी ज्यादा खतरनाक जिसे हमने लखनऊ के जू में देखा था। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बस शांति ही शांति है यहाँ। पाइन के बड़े बड़े दरख्त हमारा पहरा दे रहे हैं ताकि कोई हमारा सुख हमसे नहीं छीन सके। लेकिन क्या बताऊं नीलू, वो प्रकृति के सौंदर्य का लाभ ही कहाँ उठाने देते हैं। ऐसे नटखट हैं वो, जैसे ही अकेले कोई अवसर पाते हैं ना ऐसे शरारत शुरू कर देते हैं कि लिखने में भी शर्म आती है। सब मर्द ऐसे ही होते हैं, लोग लाज को ताक में रख देते हैं और मनमानी करने लगते हैं। अब कौन समझाए इन्हें। अरे हाँ, एक दिन हम दोनों झूला देवी के दर्शन के लिए गए थे। क्या जगह है नीलू, पहुंचते ही मालूम होता है बिना कुछ मांगे ही हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। फिर भी ढीठ होकर झूला देवी से मांग ही बैठी। क्या मांगा जानती है? नहीं बताऊंगी, तो समझेगी तेरी मधु कितनी निर्लज हो गई है। सच पूछ तो मैंने संसार के सारे सुख तो उसी दिन पा लिए थे जब मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया गया था। उस घड़ी को मैं धन्य मानती हूँ जब मैंने ये तय कर लिया था कि जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे वहीं शादी करूँगी। अच्छा अब बता तू कैसी है, सब लिखना। मेरे बारे में पूछे तो तुम्हारे मन में जो कुछ भी आए कह देना, लेकिन ये नहीं कहना कि मैं बाहर जा रही हूं, जल्दी आऊंगी, समझे? समझे। सोमवार को सच्ची? अरे उसी दिन तो मेरी भी शादी हुई। उसी दिन? क्यों, उसी से जिससे? नहीं री, मैंने तो उसी दिन फुल स्टॉप लगा दिया था। तुझे याद नहीं सी यू टिकट, उसके बाद मिली नहीं। सच्ची क्या इस्तीफा है, वो मिले नीलू, मैं तुझे को याद कर रही थी। चल झूठी, यकीन नहीं आता। ये देख, ये मेरी पहली चिट्ठी है जो यहाँ आकर मैंने किसी को लिखी है। अरे वाह, कमाल हो गया। अरे मैं भी ये चिट्ठी पोस्ट करने आई थी, नाम पढ़। आओ चला। अरे तेरी उसे पोस्ट करने की क्या जरूरत है, ले ले, चल बैठकर बातें करते हैं। हाँ बड़ी अच्छी लग रही है नीलू, बहुत खुश है ना? तू भी तो बहुत खुश नजर आ रही है। ये शादी के बाद तेरा तो रंग ही बदल गया। अरे अपनी क्या, गालों पर गुलाबी आ गई है जैसे पुरानी दीवार पर नई पुताई होती है। शरीर कहीं की, इसमें मेरी क्या खूबी भला? ये भी ठीक है, ये तो पुताई करने वाले का कमाल है। आहा, और तेरे चेहरे पे जो निखार आया है वो किस जादूगर का कमाल है? सब इसमें लिखा है। अरे यहाँ मत ओपन करना इसे, इसमें कई बातें मैंने ऐसी लिखी है नीलू जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। हाँ री, मैंने भी ना जाने क्या क्या लिख दिया है। देख खत पढ़ के तू कहेगी नीलू बहुत बेशरम हो गई है।
कोई बात नहीं, बाद में पढ़े। हाँ लेकिन देख अकेले में पढ़ना, हाँ जीजा जी के सामने नहीं। अच्छा बाबा चलो। अच्छा ठीक है, पैटरसन लॉज बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। ए, चल तुझे उससे मिलाऊं। बड़ी होशियार बनती है तू, पहले चल मेरे उनसे मिल। देख देख मधु, तुझे मैंने पहले देखा ना, इसलिए तू पहले चल। ओ नीलू तू पहले चल। अच्छा चल चितपट करते हैं। लेकिन कैसे? चल बोल। मेरा लाल, मेरा लाल लाल। गुड मॉर्निंग मिसेस पैटरसन। मैडम प्रीति आज बहुत खुश नजर आता है। हाँ मैडम बात ही कुछ ऐसा है, फिर बताएगा। ओह रियली? अभी तक सो रहे हो तुम? उठो उठो ना, आलसी कहीं के 10 बज गए। तुम ना सचमुच आलसी हो। अच्छा ये खुशखबरी सुननी है क्या? नहीं। ओ महाशय पता है आज मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली मधु से मिलकर आ रही हूँ। मधु? कौन मधु? मधु भटनागर। आई देखो शादी के बाद क्या हो गई ये मैं पूछने ही भूल गई। अच्छा वो भी यहाँ हनीमून मनाने आई है। हनीमून? क्या मजा आया। मैं गई थी उसे चिट्ठी डालने। हाँ अरे वो भी वहां आई मुझे चिट्ठी डालने। क्या खुश हो गई एक दूसरे को देखकर। ये चिट्ठियां हाथ में रह गई और हम दोनों एक दूसरे के गले मिल गई। ये है उसकी चिट्ठी। क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, उसने कहा था अकेले में पढ़ना, किसी और के सामने नहीं। लेकिन तुम कहां कोई और हो, सब कुछ तो मेरे हो। साथ पढ़ेंगे। नहीं ये लड़की ना बहुत शैतान है, पता नहीं कुछ भी लिख दिया होगा। एक नजर डाल लू। प्लीज कितनी बदमाश। तुमको क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा गला दुख रहा है। हाँ? अरे दुख रहा है, गला दबा रहे हो सर। हाँ? नहीं नहीं गला। नीलू एक गिलास गर्म पानी ले आओ प्लीज। नीलू तुम खुद ही ले आओ ना प्लीज। कभी कभी वेटर्स लोग को भी आराम करने दिया करो प्लीज। मर गया मधु, मेरी पत्नी की सहेली। अब मैं क्या करूं, भाग जाऊं यहां से? क्या मेम साहब खाना पका रही हैं? तुमने भंग तो नहीं पिया? साहब मैं भंग नहीं पीता। हाँ कभी कभी चरस का दम मार लेता हूं। तो अभी अभी आप दम मार गए? जी नहीं सब, मैंने आज दम नहीं मारा, मैंने तो परसों दम मारा था। तो मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब दम मार रही है। जी नहीं मेम साहब बर्तन मार रही है। आओ है जी साहब। गेट आउट। यस सर, यस सर। गेट आउट। यस सर, यस सर। साहब ये रही मैम साहब। गेट आउट। क्या हुआ? ये रामसिंह का बच्चा खुद दम मार गया और कह रहा तुम दम मार रहे हो। मैं? तुमने तो दम नहीं मारा। देखो तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ ताकि तुम दिन भर इनकी तरह मुस्कुराओ, चिल्लाओ नहीं। ना मैं मुस्कुराऊंगा ना तुमसे बात करूंगा। क्यों भला? तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? डर लगता है क्या? क्या लग रहा है तुम इधर तो? राम सिंह आ जाएगा, दरवाजा खुला पड़ा। राम सिंह दम मार गया। लगता है तुम दम मार कर आ रहे हो। एक मजेदार बात सुनो, अभी अभी मैं सहेली को चिट्ठी पोस्ट करने गई थी ना। हाँ? लेकिन चिट्ठी पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस वही चिट्ठी और वही सहेली, कुछ नहीं सुनना मुझे। वो सुना तो वो भी वही मिली, और कमाल की बात तो ये है कि वो भी अपना हनीमून यही मनाने आई है। उसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की? हनीमून मनाने के लिए लाखों जगह पड़ी हैं, उसे यही क्यों आना था? मेरी मधु को अपने चंदा से छीनने के लिए? देखो मेरी सहेली के बारे में ऐसी कड़वी बातें मत करो। तुम्हारी सहेली से मीठी मीठी बातें करने के लिए तो उसका पति है, मुझे क्या पड़ी है? ऐसा ना कहो, बहुत अच्छी है मेरी सहेली। और पता है आज शाम को 4 बजे हम दोनों को चाय पे बुलाया है, चलेंगे ना? सोचेंगे। वो क्या सोचेंगे, वादा करो। अच्छा बाबा चलेंगे। खुश? जरा सोचो ना कितना बुरा लगेगा उन्हें। हाँ वो दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम ही जा रहे हो।
क्या करूं नीलू, चेयरमैन साहब यहीं आ पहुंचे हैं और एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए मुझे बुला भेजा। तुम तो जानती हो मेरे ऑफिसर हैं, हाउ कैन आई रिफ्यूज हिम। पर एक आध घंटा देर में पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत जरूरी मीटिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। बस गया और आया। ओके सॉरी, वो रख देना। अरे चेहरे पे परेशानी की बात है? नहीं री, ऐसी कोई बात नहीं। तो अकेली आई है, जरा बाहर तो चल। कहाँ है जीजा जी? अरे बाप रे। नमस्ते जी, नमस्ते। आप भी यहाँ? वाह वाह, इसको मुलाकात कहते हैं। कब आना हुआ? अच्छा अच्छा, आप उसी मामले के लिए जो पिछले साल आपने पक्की सड़क बनाई थी, यानी कि छोटू मालन कंपनी खोटू मालन के लिए। जी मुझे सब कुछ पहले ही मालूम था, आइए सब कुछ बताता हूँ। वैसे तो मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए आया हूँ और आप सॉरी आई 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 है। खास तौर से हनीमून वालों के लिए जगह तो स्वर्ग है। शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। शुक्रिया। पागल कहीं का। ये भी कोई तरीका है, इस तरह भाग गए? अब क्या जवाब दूं मैं नीलू को? ओहो, मुझे माफ करो मधु, वो आदमी जो मुझे मिले थे ना, वो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मेरे बॉस हैं। भला मैं उनको कैसे डाल सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, बॉस, छुट्टी के दिन भी बॉस। क्या करूं, बड़े आदमी हैं, अगर उनकी नजर में आ जाऊं तो मुझे हायर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज सकते हैं। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। तुम्हारी सहेली बहुत नाराज होगी। तो क्या नाराज होने की बात नहीं है? अगर मैं उसकी जगह होती तो न जाने क्या कर बैठती। आई एम सॉरी मधु, तुम प्लीज उन्हें समझा देना। मैं क्यों समझाऊं, तुम खुद समझाओ। वो आ रही है यहाँ कल। कल? हाँ कल, मैंने उसे यहाँ चाय पर बुलाया है। फिर कहीं बॉस बॉस कहकर भाग नहीं जाना। नहीं नहीं, कल तो मैं होटल से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। ये सच क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। कल आ रही है। ए मधु, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आज शाम की चाय के लिए हमें माफ करा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पति देवता ने मेरी दावत मंजूर नहीं की? नहीं री, ये बात नहीं, मैंने तुझसे कहा था ना, इनका चेयरमैन यही आटप का है, बस फौरन बुला लिया। नौकरी है बाबा, जाना ही पड़ा। अच्छा जीजा जी कहाँ है? क्या बताओ नीलू, मेरी हालत भी बिल्कुल तेरी जैसी है। हाँ? देखना, इनका मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसी वक्त यही आकर मरा है। फौरन फोन आ गया, चले आओ। चले गए बेचारे। मैं तो कहती हूँ इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन वगैरह को तो फांसी पर लटकाना चाहिए। चलो बैठ कर एक कप चाय तो पी ले। देखो दो कप चाय यहां भी लाना। नीलू, जब वो मेरे पास बैठते हैं ना तो समय यूं गुजर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, और जब वो पास बैठता था तब? वो कौन? अरे वही तेरा भंवरा, नाम न ले उसका, मैं तो उसे बिल्कुल भूल चुकी थी। कैसे चोरों की तरह मिलता था, इनसे उसका क्या मुकाबला? अगर ये हीरा है तो वो कांच का टुकड़ा। ए, इसे देखा, ऐसे मुंह छिपाए बैठा है जैसे किसी जासूसी उपन्यास का कोई खूनी किसी घात में बैठा है। मुझे भी ऐसे लगता है, कोई खतरनाक आदमी है। शोर मचा दो। हाँ हाल है? हाँ? कौन है आप? मैं विकास बोल रहा हूँ, मुझे भूली तो नहीं आप? मैं नहीं जानती तुम, आप कौन है? आप? मुझे नहीं जानती? कुछ दिन पहले तो आप मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। मैं बंबई से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ मधु। अब आपको मुझे तुम नहीं कहना चाहिए, मैं किसी की पत्नी हूँ, मुझे आप कहिए।
अरे हाँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये तो मैं भूल ही गया था कि आपका विवाह हो चुका है। आई मीन शुभ विवाह। आपको मुझे इस तरह ताना देने का कोई हक नहीं। आई एम वेरी सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। सुनो मधु, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अब मेरी शादी हो गई है, मैं किसी की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारे पति को मालूम हो गया, इससे मुझे क्या? मुझे तो मतलब है अपने खतों से। खत? कौन से खत? जो मैंने तुम्हें लिखे थे, मुझे वो वापस चाहिए। मगर मेरे पास ऐसी कोई खत नहीं है। होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, जैसे मेरे पास तुम्हारे कोमल कोमल हाथों से, नाजुक नाजुक हाथों से लिखे हुए प्यारे प्यारे खत। लेकिन मैंने वो जला दिए थे। जला दिए थे? मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, मुझे मेरे खत वापस मिलने चाहिए, समझी? मैंने कहा ना जला दिए थे, अब कैसे वापस कर सकती हूँ? सुनो मधु, अगर मेरे खत मुझे वापस ना मिले तो मैं तुम्हारे खतों के एक दो नमूने, आई मीन सैंपल्स, तुम्हारे पति को दिखाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, समझी? विकास, एक मिनट ठहरो। नमस्ते। हेलो हेलो, साहब साहब कमाल है, मैंने अभी अभी उन्हें अंदर आते देखा। अच्छा, जरा ढूंढो। अभी ढूंढो। अरे बाबा, उसके अंदर क्या देख रहे हो? दम मार कर आए हो क्या? बाहर जाकर देखो। इधर मेम साहब, मैंने होटल का कोना कोना छान मारा, नीचे ऊपर आगे पीछे आजू बाजू, मगर साहब का तो कहीं पता ही नहीं चला। सुनो हाँ? ये बताओ हाँ? अगर इसके अंदर से कोई बात करे तो आवाज बाहर तो नहीं सुनाई देती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा जाओ अंदर, बात करना जोर से, मैं बाहर से सुनती हूँ, देखेंगे आवाज आती है नहीं। मैं? हाँ? अच्छा, सलाम मेम साहब। सलाम नेम साहब। थैंक यू राम सिंह। हाय मधु, बोल। कौन तुम यहां कैसे, और तुम्हें किसने बताया मैं यहां हूं? क्या मेरा पीछा? लेकिन क्यों? नहीं नहीं, मैं हर अरे घरे से कैसे मिल सकती हूँ? अब मैं किसी की बीवी हूँ। क्या चिट्ठियाँ? हाँ चिट्ठियाँ, प्रेम पत्र। इतनी भोली ना बनो नीलू, खत वापस कर दो मुझे। मैंने कह दिया मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरे खत मुझे वापस मिल जाने चाहिए। मैं फिर फोन करूंगा। और हाँ, एक और बात है, अच्छी तरह से सुन लो, उस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दो। क्या नाम है उसका? हिलवी होटल में ठहरी है। हर जो कुछ भी हो, आइंदा से उसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। नेम साहब, साहब आपको पूछ रहे थे। मुझे, अरे बापरे।
तुम मधु, मुझे जरा आने में देर हो गई, मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर ना मुझे आने नहीं दिया। अभी अभी तुम इस तरफ आए तो नहीं थे ना? मैं नहीं, तो नहीं तुम अभी फोन तो नहीं कर रहे थे? मैं फोन नहीं, तो नहीं, साहब ये आपका मफलर बाथरूम की खिड़की में लटका हुआ था। मफलर? सलाम साहब। अच्छा, हवा से उड़ गया होगा। सो गए क्या? कोशिश कर रहा हूं। सर दुख रहा है क्या? दबा दूं? नहीं नहीं, एक बात पूछो। क्या? प्रेम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रेम? कैसा प्रेम? शादी से पहले का, किसी लड़की का किसी लड़के से हो जाए तो? मैं इसे पाप समझता हूं, तुम क्या समझती हो? बिल्कुल वही जो तुम समझते हो। लाला जी चार साड़ी डाल और फौरन। अरे सुबह से साड़ी डाल ही साड़ी डाल लेता जा रहा है, किसके लिए? अरे वो पांच नंबर में साहब और मेम साहब आए हैं ना हनीमून के लिए। हनीमून के लिए? फिर तो उन्हें इसकी और भी जरूरत पड़ेगी बेटा। लाला जी जरा ये तो बताइए कि ये हनीमून क्या बला है? रोज सुनते हैं हनीमून हनीमून, मगर ये होता क्या है? ये एक अजीब बीमारी है राम सिंह, मियां बीबी दोनों को एक साथ लगती है। आसार ये है कि आंखें सूज जाती हैं, सिर में दर्द होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर मिनट मिनट में आहें निकलती हैं। बिल्कुल ठीक लाला जी, मैंने भी यही देखा है। मगर लाला जी जब मियां बीवी ठीक हो जाते हैं तो साड़ी डाउन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हंसते हैं खेलते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। लाख खटखटाओ मगर दरवाजा अंदर से खुलता ही नहीं। लाला जी सारा दिन है आपके पास एक दर्जन, जल्दी से जल्दी से। कमाल है उजागर सिंह, एक मील दूर पैटरसन लाश से भागता चला रहा है, वो भी फकत साइडान के लिए। अरे लाला जी कहीं मिलता ही नहीं, बाजार में जितना सैराडीन था ना सबके सब हजम कर चुके हैं। वो कौन रहे? अरे वही हमारे होटल में एक साहब और मैम साहब हनीमून के लिए आए हैं। क्या कहा? ये हनीमून की बीमारी तुम्हारे लॉज तक पहुंच चुकी है? अबे चुप बे चपल गंजू, तू इसे बीमारी कहता है? हाय 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 हाय, काश ये बीमारी मुझे लगी होती तो मैं अपने बुलबुल को साथ में लेकर ये गाना गाता। क्या है? मैं राजा तू रानी, चल भरेंगे दोनों पानी। भगवान करे ये हनीमून की बीमारी मुझे भी लग जाए ताकि मैं अपनी फुलझड़ी को लेकर ये गाना गाऊं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से तुम्हारा था इंतजार, ओ मेरे प्यार। अरे देखो तुम लोग क्या अपना हनीमून नहीं मानोगे? चल भाग यहां से। ओ मेरे प्यार, ओ मेरे प्यार। बहुत सोच में पड़ा है, अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। हमसे क्या छुपाता है, हम जानता नहीं क्या? ये झोकड़े लोग सब ऐसा ही होता है, मोस्ट सेल्फिश। इसको देखा, नॉटी फेलो। मेरा हस्बैंड, माय गॉड,
ऐसा शैतान हमने अपनी सारी उम्र में नहीं देखा। नस्ली, हम तो सबसे बोलता है हनीमून करने आया है तो दुनिया को भूल जाओ। कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता, बिल्कुल परवाह मत करो। तुम है, तुम्हारा हस्बैंड है, जानता है हमने हमारे हनीमून में क्या किया। स्लीपिंग बैग जानता, स्लीपिंग बैग लेकर दोनों जंगल में भाग गया, और उधर क्या 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 बोलो। हेलो मिसेस पैटर्सन्स लॉज, जस्ट अ मोमेंट, तुम्हारा फोन। आई गॉट लॉस्ट टू डू, एक्सक्यूज मी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, एक बार बात करके जी नहीं भरा जो बार बार परेशान कर रहे हैं। क्या बकी जा रही है? अरे बाबा, मैं मधु बोल रही हूँ, मधु। हाँ नीलू, गजब हो गया, मुझे तुझसे जरूरी सलाह लेनी थी, कल सवेरे तुम उसे मिलना। हाँ? नहीं बाबा, मेरे होटल में नहीं, ठहर किसी ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ मैं कोई ना देख सके। वो पोस्ट ऑफिस के पास एक पार्क है ना, वो कैसा रहेगा? हाँ हाँ ठीक है ना, लेकिन एक बात है नीलू, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तेरे उनको भी नहीं, ठीक है ना? प्लीज, हाँ जल्दी आ जाना। बाहर जा रही हो? हाँ, सोचा तुम्हें जगह ना ठीक नहीं। कहाँ जा रही हो? वो कोल्ड क्रीम और टूथपेस्ट और सब खत्म हो गया ना, सोचा लेती आऊँ जल्दी। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? बहुत सर्दी है बाहर, और फिर कल रात को छींक छींक कर बुरी हालत हो गई थी तुम्हारी, अब तुम आराम करो। वो बोलते मैं भी चलूंगा, बाय बाय। तो अरे उसे ये कैसे मालूम हुआ कि मैं रानी खेत में हनीमून मनाने आई हूँ, और मेरे कमरे का नंबर उसे कैसे मालूम? पक्का विलन है, रास्कल। मैं तो उस घड़ी को कोसती हूँ जब उसे पहली बार मिली थी, मुझे भी क्या मालूम था कि उत्तर 420 निकलेगा। गलती हमारी है बाबा, मैं उन्हें अच्छी तरह जाना बुझा और बस प्रेम करने लगी, इसलिए तो ये सब भुगतना पड़ रहा है। आखिर वो हमसे चाहते क्या है? रुपया? और नहीं तो क्या? जितना हम उन्हें देते रहेंगे ना, उतना ही उनके चंगुल में और फंसते रहेंगे। और अगर रुपए नहीं दिए तो? तो वो लोग हमारी चिट्ठियां है ना, वो हमारे पति देव को भेंट में देंगे। फिर क्या होगा? फिर तलाक। और क्या? मत रो नीलू, नहीं रो, नहीं रो। चुप हो जा नीलू, अब मुझे देर हो रही है, अगर मैं लेट पहुंची ना, न जाने क्या क्या शक करने लगेंगे। हाँ तो डियर, हम अपनी छुट्टी मनाने यहाँ आ ही गए। अजी तुम कहाँ आने वाले थे? वो तो मैं तुम्हें खींच लाई, ना तुम कोर्ट को छोड़ते ना कोर्ट तुम्हें छोड़ती। आई एडमिट दिस चार्ज योर ऑनर, इसमें क्या शक है। कितना सुंदर दृश्य है, चीर के ये कतार, मालूम होता है ईश्वर की बार लाइब्रेरी हो। कैसे सुंदर ढंग से सजा रखा है किताबों को। फिर वही किताबें, फिर वही लाइब्रेरी, फिर वही कोर्ट, भूल गए क्या वादा किया था? भूल गया, सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन यह वक्त काटना मुश्किल हो गया है डार्लिंग। वक्त काटना मुश्किल हो गया है, और लोग यहाँ वक्त कैसे काटते हैं वो देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं। वो तो अपना हनीमून मनाने आए हैं। तो हम भी अपना हनीमून मनाने आए हैं। क्यों नहीं, लेकिन जरा देर से आए हैं। बंगले नहीं चलोगे? तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करना है।
तुम चलो डार्लिंग, मैं जरा टहल कर आऊंगा, भूख भी लग जाएगी। आ, 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 आ। अपना ख्याल रखना। वकील साहब, वकील साहब, मुझे एक बदमाश से बचा लीजिए। नहीं, 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 मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ, मेरे पति भी मुझ पर शक करने लगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं देवी जी, मुझे मुझे डाइवोर्स कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह की कोई बात ना करो, मैं हनीमून के लिए आया हूँ। प्लीज वकील साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मैंने आपका केस ले लिया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, माफ करो। नहीं, क्या सुबह से गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई? ठीक है मैं फिर फोन कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं है। थैंक यू मैडम। मैं जरा उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था, क्या नाम है उसका, पाठक। पाठक पाठक, उन्होंने तो कहा था सुबह सुबह फोन करने के लिए, लेकिन तुम शॉपिंग कर रहे? शॉपिंग? तो अपनी सहेली से मिलने का मौका तो नहीं मिला होगा? मिली थी, अपने पति के साथ शहर के लिए जा रही थी, तुम्हारे बारे में भी पूछ रही थी। मेरे बारे में? हाँ, कह रहे थे कि ये कि अभी तक जीजा जी से नहीं मिला यहाँ, और मुझे पकड़ कर जबरदस्ती लॉज में ले गई, और इतनी खातिर के पूछो मत। मियाँ बीवी दोनों बड़े अच्छे हैं। तो हाई ट्रिप तो मजे में गुजर रही है। आज आप सारी सुबह गायब रही? नहीं क्या, लोगों से मिलती रही होंगी? लोगों से? हाँ, आई मीन तरह तरह के लोगों से। हाँ हाँ, वो जो गोल मटोल सी बच्ची है ना, वो जिसने उस दिन हमको गुड मॉर्निंग कहा था, उससे मिली थी। और उसके बाद आप अपनी प्यारी सहेली वो मधु भटनागर से भी मिली होंगी? नहीं। और फिर उनके साथ खूब जम के बातें की होंगी? क्या? कुछ नहीं, वैसे। तुम तो खामोखा नाराज हो रहे हो, मैं सच कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डियर डियर, अभी भी डियर? मैम साहब, आपका टेलीफोन। साथी हो, ओ साथी, ओ साथी हो।
बताओ नीलू, दिन ब दिन दिमाग पर बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, नींद हराम हो गई है। मेरा भी यही हाल है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो एक दिन बस पागल हो जाऊंगी। मैंने तो तय कर लिया है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मेरे वो इस मामले में बड़े सख्त हैं, भगवान जाने सुनकर क्या कर बैठे। लेकिन उनसे छुपाना भी नहीं चाहिए ना मधु। क्या करें,
मैं चलूं, वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलकर आ भी गए होंगे। हाँ, अच्छा बाबा, वो भी चेयरमैन से मिलकर आ गए होंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति पत्नी के बीच में कोई राज नहीं रहना चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन ये ख्याल तुम्हें दिमाग में आया कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा मतलब है, अगर पहले कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी कड़वी बात हो गई हो जिसे हम अभी तक अपने दिल में छुपाए बैठे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों उसे एक दूसरे पर जाहिर कर दें? मैं समझा नहीं, आखिर बात क्या है? मेरी तरफ देखो, मैं बताती हूँ क्या बात है जो दिन ब दिन हमें एक दूसरे से दूर लिए जा रही है। अभी बताना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत सह चुकी मगर अब नहीं सह जाता, ये राज आज ही खुल जाना चाहिए। मेम साहब, आपका टेलीफोन। जी मैं, जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। हाँ तो क्या सोचा तुमने? काहे के बारे में? मेरे खतों के बारे में, और किसके बारे में? वो खत मैं तुम्हें कहाँ से दूँ मिकास? वो तो मैंने जला दिए। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ मेरे पास नहीं है, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हाँ मधु, वो तुम्हारे आखिरी खत की कुछ आखिरी लाइन्स पढ़कर सुनाता। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे जीवन के सुंदर साकार सपने, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। काश तुम जानते, एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार प्यार करती है। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मैंने नहीं लिखा। तुम हो विकास, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उस वक्त होश में नहीं थी, मुझे बहुत बुखार था। हाँ, विकास प्लीज मेरे खत वापस कर दो। जरूर कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति देव को। समझ गई आप? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? नहीं, तुम सज्जन हो, मैं जानती हूँ तुम शरीफ हो। प्लीज विकास, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? मैं भी कुछ इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ हूँ, तुम्हें नहीं बता सकता। मैं कहता हूँ मेरे खत मुझे वापस कर दो, नहीं तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रोमत, रोमत, प्लीज रोमत। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे वकील साहब, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो मुझे कैसे मालूम होगा तुम्हारी समस्या क्या है? मालूम होता है हाल ही में शादी हुई है। जी हाँ। तो फिर इतनी जल्दी डाइवोर्स के लिए वकील के पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? जी नहीं, ये बात नहीं है। फिर बात यह है वकील साहब, शादी से पहले मेरी एक लड़के से जान पहचान थी। और तुम उसे चिट्ठियां वगैरह लिखा करती थी? जी हाँ। अब वो बदमाश मुझे धमकियां दे रहा है कि उन चिट्ठियों को मेरे पति के हवाले कर देगा। मामला उलझा हुआ मालूम होता है। तो ये बताओ, उन चिट्ठियों में तुमने कभी शादी करने का वादा किया था? मुझे याद नहीं। याद करने की कोशिश करो, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख भी दिया तो क्या होगा? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो चिट्ठियां तुम्हारे पति के हाथ में आ गईं, तो वो तलाक की अर्जी कर सकता है, या वो आदमी तुम्हें वादा खिलाफी के लिए कोर्ट में घसीट सकता है। अब तो वो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है वकील साहब, हर रोज सुबह शाम को फोन करता है। मैं बहुत डर गई हूँ, मेरा जीना दुश्वार हो गया। चिल्ला मत, मिसेस चौधरी आ गई तो मेरा जीना दुश्वार कर देगी। ठीक है ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, चाहे वो तुम्हारा पति हो या वो बदमाश। ये चौधरी ऐसे से निबटना खूब जानते हैं। अभी मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, सब कुछ नीरज चौधरी पे छोड़ दो, एक कट के होटल जाओ। सुनो, ये जाने की कोशिश करो
कि तुम्हारा पति भी तो शादी से पहले किसी प्रेम के चक्कर में नहीं गिरा। इसे तुम्हारा केस और भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा। तुम्हें मेरी फीस का तो पता होगा, 500 रुपए। 500 रुपए? बस 500। चाबी कहाँ है बेरा? आपके कमरे में है मैम साहब, साहब अंदर ही है। हाँ, यानी वो सारा दिन घर पर ही रहे? जी हाँ। मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली है, कैश और जेवर सब सही सलामत है, सिर्फ आपका अटैची केस खुला पड़ा था और कुछ कागजात यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। अच्छा ये तो बताइए कि आपको किसी पर शक है? जी हाँ, जी नहीं। ये तो बता सकती हैं, आदमी दिखने में कैसा था? हाँ? अंधेरा था, ठीक से देख भी नहीं पाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो ऊंचा लंबा था और हाँ दाढ़ी थी उसकी। दाढ़ी? ठीक है। ओ हो ना हो नीलू, ये तेरा वही पुराना आशिक होगा। ए, तेरी चिट्ठियां कहाँ? चिट्ठियां? उन्हें तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ बाबा, फिर भी होशियार रहना चाहिए। तूने नीरज चौधरी का नाम सुना? नहीं। बम्बे के मशहूर वकील है और आजकल वो भी यही ठहरे हुए हैं। कल ही मैं उनसे मिली थी, ऐसे कर तू भी उनसे जाके मिलके सलाह ले ले। उसका पता लगाओ इंस्पेक्टर, नहीं तो हमारा लॉज के नाम पर दाग लग जाएगा। 20 साल से लॉज चलाता है, कभी नहीं कुछ हुआ। आप घबराइए नहीं मिसेस पैटरसन, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आखिर वो पकड़ा जाएगा, जा कहां सकता है। अरे अरे वो रहा, चोर! हरना, चोर! रास्ते में फिसल गया मैं और वो मिस्टर पाठक दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि कुत्ता झपट पड़ा। पागल होगा? ऐसे ही लगता है। काटा तो नहीं ना? नहीं, वो तो भाग गया और मैं गिर पड़ा, पैर पे मोच आ गई। तुम कहाँ गई थी? मैं? हाँ जानते हो, मेरी सहेली के कमरे में चोर घुस आया था। फिर क्या हुआ? वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस उसके पीछे है, बच के कहाँ जाएगा। पकड़ा गया तो कम से कम उसे 5 साल की सजा होनी चाहिए। राम सिंह जी, मैम साहब मेरे पास आओ। पास? इधर आओ। जी जी। देखो जी, तुम तो जानते ही हो कि जब भी अपने साहब बाहर जाते हैं बहुत लापरवाह से हो जाते हैं। नहीं? हाँ, देखिए ना, कल ही पर्थ रुआ के आ गए थे। इसलिए मैं क्या कह रही थी। क्या? ये 10 रुपए लो तुम्हारे लिए। मेरे लिए?
देखो जी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी हाँ, छोटा सा। बोलो बोलो। जब ये साहब बाहर जाते हैं हाँ? तो तुम्हें उनके पीछे पीछे जाना होगा, यानी कि उन पे नजर रखनी होगी कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस किस से मिलते हैं वगैरह वगैरह। समझ गया ना? समझ गया मैम साहब, समझ गया। लेकिन ये सब साहब को ना मालूम पड़ने पाए। अगर पता चल गया तो मेरी भी खैर नहीं और तुम्हारी भी। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बिल्कुल होशियारी से। हाँ जी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब। सलाम राम सिंह। पैर कैसा है साहब? कल से अच्छा है। तुम्हारे गरम गरम सिकाई ने तो कमाल कर दिया साहब। तो बस ये गरम गरम नाश्ता कर लीजिए और कमाल हो जाएगा। मेम साहब कहाँ है? मेम साहब सब किसी को टेलीफोन कर रही है। टेलीफोन कर रही है? ओ राम सिंह जी। यस सर। राम सिंह, मैंने तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी नहीं देखा है। तुम इतने अच्छे आदमी हो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये लो 10 रुपये। हाँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम्हें मेम साहब पे नजर रखनी है। वो क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, कहाँ जाती हैं वगैरह 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 वगैरह। हाँ वगैरह वगैरह। हर बात की मुझे खबर देनी है। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए और मेम साहब को भी नहीं। मैं तुम्हें और इनाम दूंगा साहब। किसी को मालूम नहीं होगा। सलाम साहब। सलाम 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 साहब। सलाम साहब। अबे उजागरे। हाँ बे रमाले। ये देखा हाँ। मेरे दिन भर की कमाई है। वाह वाह, ये सब मेरी किस्मत की बात है। क्या किस्मत पाई है। अरे वाह यार वाह, तू तो सचमुच बड़ी किस्मत वाला आदमी है। चुप। अबे किस्मत की कमाई नहीं है, ये मेरे दिमाग की कमाई है। दिमाग की? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तेरे दिमाग की कमाई है। अबे फिर तूने बोला तेरे दिमाग की कमाई। अबे मेरे दिमाग की कमाई? अबे तेरे दिमाग की कमाई है। मैं बोलता हूँ तू झूठा है। अबे मेरे को झूठा बोलता है साले? तेरा बाप झूठा है। अबे तू मेरे बाप तक पहुँचा? अबे मेरे बाप से तेरा बाप झूठा। तेरा पैर लाला जाएगा। शोर मचा रहे मेरी दुकान में, चलो भागो यहाँ से। चले जाएंगे लाला जी, मगर पहले इस बात का फैसला करो कि ये झूठा या मैं झूठा। अबे तू झूठा तू। तुम दोनों झूठे हो। अरे मेरी दुकान में बैठकर तुम दोनों शराब पी रहे हो। चलो बांट लिया नोट के आजाओ से। चल यार। बढ़िया माल है। फोकस गएगा। क्या हुआ? मात्रो मेरे लाल, मेरे मोने मात्रो, मैं तुझे दूसरी लाके दे दूंगा। अरे ये लाला साला फोकस का माल मिला तो नशे में हो गया मात्रो। अरे उजागरे। अरे रमाकरे, ये मेरा साहब मालूम होता है? ये इधर किधर चला, ये किधर चला? मेरे को तो इसका पीछा करना है था। पीछा? वो मर गया। ये तो मेरे मेम साहब है। ये इधर किधर चले? इसके ऊपर तो नजर रखने को बोला था। एक दाएं एक बाएं, मैं तो मर गया। अब क्या करूं? अबे कोई बात नहीं बेटा, आराम से। कोई बात नहीं, तुम इधर ही बैठ के दोनों पे नजर रखना। ये ठीक। दोनों पे ले ले जमा कर ले। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। तुम्हारा क्या, कोई भी डिवोर्स केस नहीं ले सकता। नहीं नहीं वकील साहब, ये डिवोर्स केस नहीं है, ये मामला कुछ और ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या मामला है आपका। एक लड़की आपके पीछे पड़ी हुई है और आप जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके मुंह पर कालिक लगाना चाहती है और आप उसे तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, है ना? इसके बाद वो पुलिस में जाएगी और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आपकी बीवी को मालूम होगा और वो आपको लंपट कहेगी और फिर आप उसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे और बीवी का बाप वो दौड़ा दौड़ा कोर्ट जाएगा और डिवोर्स की दरखास्त पेश करेगा। एम आई करेक्ट? यस सर, यू आर करेक्ट। थैंक यू।
मैं भी आपकी तारीफ करता हूँ कि आप और किसी के पास नहीं गए, उसी के पास आए जो आपकी हारी बाजी जीत सकता है, नीरज चौधरी, डाइवोर्स एक्सपर्ट। अब तो मेरे केस ले लीजिए वकील साहब। ये नहीं आपकी, नहीं 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 नहीं, ये केस तो मैं हरगिज नहीं ले सकता हूँ, 100 रुपए कम है। ये नहीं, ठीक है, चलो कहीं बैठ कर बात करें। व्हाट इज योर कॉम्प्लिकेशन यंग मैन, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू? डिवोर्स के मामले बड़े पेचीदे होते हैं, कोई तेज दिमाग वाला वकील ही इनमें रास्ता निकाल सकता है। इसमें क्या शक है? अभी उस दिन की बात है, एक अजीब सा मामला सामने पेश आया। एक नौजवान की एक लड़की से शादी हो चुकी थी, 6 महीने के बाद दोनों को एक दूसरे के राज का पता चला। श्रीमान जी पहले ही एक शादी कर चुके थे, इसमें तो बच्चे भी हैं। वहां श्रीमती जी भी पहले पति को छोड़ चुकी थी, और ये जाहिर करके कि मैं अभी तक कुमारी हूं, इनकी धर्मपत्नी बन बैठी। अब कानूनी नजरिए से देखना है ज्यादा गुनाहगार कौन है, लड़का या लड़की। इसलिए जैसे ही मुकदमा पेश हुआ, मैंने फौरन खड़े होकर कहा, लड़की को हाजिर किया। अरे ये लड़का कहां गायब हुआ? अपने पति को कोर्ट में ले जाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? तुम लड़कियां उन्हें अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं रख सकती? लेकिन मैडम, मैं तो सिर्फ सलाह लेने के लिए आई थी। सलाह वाला कुछ नहीं मिलेगी, वो हनीमून के लिए आए हैं। जी, इस उम्र में? हेलो डार्लिंग, क्या बात है, ये कौन है? तुम्हारी नई क्लाइंट, लेकिन मैंने कह दिया है नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने, देखो मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता, कम से कम जब तक हम हनीमून पर हैं। मेरे लिए दूध ले आना डार्लिंग, एंड सम बिस्किट्स, भूख के मारे जान निकली जा रही है। अभी लाई। हाँ बताओ, क्या केस है तुम्हारा? अभी तो आप कह रहे थे कि होम पॉलिटिक्स। आओ बैठो, बताओ तुम्हें किससे शिकायत है, अपने पति से या अपने प्रेमी से? दोनों से वकील साहब, दोनों से। वाह, तुम दोनों को मालूम हो जाने दो कि वकील नीरज चौधरी तुम्हारे साथ है, फिर देखो तुम्हें डाइवोर्स मिलता है या नहीं। नहीं नहीं वकील साहब, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे तो ये डर है कि कहीं मेरे पति मुझे डाइवोर्स ना दे दे। क्या? देने दो डाइवोर्स, मैं फौरन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा ठोक दूंगा। फिर क्या? बस जाओ, चिंता ना करो। अजी सुनते हो? अच्छा ये है उसकी चिट्ठियां। जी हाँ वकील साहब, कहिए तो एक दो पढ़कर सुनाओ। नहीं नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, जाओ तुम मजे से अपनी हनीमून मनाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ डरने की कोई बात नहीं। लेकिन वकील साहब, वो जो मेरे खत दबाए बैठी है उनका क्या होगा? बैठी रहे, चाहे जितने खत दबाए बैठी रहे, अदालत में तो आने दो, पहले वो जो कुछ बकना चाहेगी बकने दूंगा। लेकिन जब नीरज चौधरी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़े होंगे, उसकी खिड़की बंद हो जाएगी, फरी कोर्ट के सामने रुला दूंगा उसको। लेकिन वकील साहब, अगर मेरी पत्नी के हाथ में मेरे एक दो खत आ गए तो तुम्हारी पत्नी की भी खैर नहीं। जी नीरज चौधरी अपने क्लाइंट के सामने जो भी आता है उसे नहीं छोड़ता, भले ही वो भगवान हो। हाँ यस माय डियर, यस। अच्छा तो मेरी पीठ पीछे ये चल रहा है, तुम्हारे क्लाइंट यहां तक भी पहुंच गए? क्लाइंट? कैसे क्लाइंट? ये क्लाइंट नहीं है डार्लिंग, ये एक उद्यमान कवि है। जी ओ, उद्यमान कवि हैं जी, मैं उनकी कविता का आनंद ले रहा था। अच्छा देखूं? देखने की क्या जरूरत, मेरे जीवन के सुंदर साकार सपने। वाह वाह वाह, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। कविता, कविताएं, कविताएं, ये इनकी कविताएं हैं। इनकी कविताएं हैं। इस उम्र में भी चकमा देने की आदत नहीं गई? नहीं नहीं डियर, दरअसल बात ये है, दरअसल बात ये है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे ये कवि और इनकी ये कविताएं, इस तरह
दिल मिले गुलो गुंचे खिले, गुलो गुंचे खिले मेरे यार। जो दिल मिले गुलो गुंचे खिले मेरे यार। जब से तू आया मेरे जहां में, सारे जहां से हुआ मुझे प्यार। जो दिल मिले गुलो गुंचे खिले, गुलो गुंचे खिले मेरे यार। भरी सुन के बातें तेरी, छाए मुझ पर अजब सा कुमार। जब से तू आया मेरे जहां में, सारे जहां से हुआ मुझे प्यार। ओ दिल मिले गुलो गुंचे खिले, गुलो गुंचे खिले मेरे यार। कहाँ हो बताओ, छुपे हो किधर, परेशान मैं हो गया ढूंढ कर।
नहीं मिले तो फिर तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसका सामना करना, समझ गई? ये हिम्मत कि मेरे क्लाइंट को इस तरह धमका रहे हैं? वो जानते नहीं, वो आग से खेल रहे हैं। मैं दोनों को खींच के सीधे अदालत में ले जाऊंगा। लेकिन वकील साहब, इसमें हमारी बदनामी होने का डर है। और फिर ये भी सोचिए ना, हमारे पति को मालूम हो गया तो क्या होगा? मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, आप अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। वो कैसे? डाइवोर्स की दरखास्त पेश कीजिए। कहिए कि आपका दिमागी सुकून चला गया है, आप पर बिला वजह शक किया जाता है, आपका जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन वकील साहब, वो डोंट फॉरगेट, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप जब जंग के मैदान में कूद पड़ी हैं, तो दुश्मन को कभी मत छोड़िए, चाहे वो आपके पति हो या प्रेमी। मैंने इसी तरह सारे मुकदमे जीते हैं। मैं नहीं चाहता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आपका केस नहीं ले सकता। कितनी बार कहूं कि मेरी पत्नी नहीं चाहती है कि मैं डाइवोर्स केस लूं, और सच पूछिए तो मैं भी तंग आ गया हूं। माफ कीजिए, तशरीफ ले जाइए। ओ हेलो डार्लिंग, मैं सोच रहा था कि मेल रोड पर सैर के लिए जाऊं। वेल गुड बाय लेडीज। बड़े चालाक बनते हैं, लेकिन मेरे सामने ये चालाकी नहीं चलेगी। मैं सब समझती हूं। अरे तुम लोग कहां चली? बैठो बैठो। बोलो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं मैडम, हम दोनों तो देखो छुपाने की कोशिश मत करो। बोलो क्या बात है, मैं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। वो हाँ सुनो, मैं तुम्हारी चिट्ठियां वापस करने के लिए तैयार हूं। कल 4 बजे गोल्फ कोर्स पर मुझे मिलना,
साथ में मेरी चिट्ठियां भी होनी चाहिए। ठीक 4 बजे, भूलना मत। हाँ हाँ, कल 4:15 बजे हम दोनों अपनी चिट्ठियां बदल लेंगे गोल्फ के मैदान में। ठीक 4:15 बजे, भूलना मत। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, दर्द से सर फट रहा है, उठ भी तो नहीं सकती। लगता है बुखार हुआ है। हैं? बुखार? तुम्हें तो सेरोडोन लेना चाहिए। अच्छा, ले लूंगी। सोच रही थी दोपहर को तुम्हारे साथ घूमने कैसे जाऊंगी बाहर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सर्दी है, तुम्हें तो बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या करूं, मैं भी सोच रहा था कि मैं ना जाऊं, लेकिन वो मेरे बॉस है ना, वो आज बाहर जा रहे हैं ना। बाहर जा रहे हैं? तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें कहते थे ना कि अगर वो खुश हो गए तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज सकते हैं। हाँ, हाँ, तो जाओ ना। तो मैं लौटते हुए डॉक्टर लेता हूँ। तो मैं जाऊँ? तुम आराम करो, है, जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा, बिस्तर सोचना नहीं है। आपकी घड़ी में क्या टाइम है? 3:20। बेटा, एक चाय और लाना। सुनो, मेरे लिए बेकअप। कितनी देर लगा दी तूने, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या करती, मौका ढूंढ रही थी। अरे, तुझे तेरे पति ने यहाँ आते देखा तो नहीं? नहीं, उन्हें तो अपने चेयरमैन से मिलने जाना था। कहने लगे जाना ही पड़ेगा, बड़ा जरूरी काम है। मैंने ऊपर ऊपर से खूब झगड़ा किया। मैंने कहा मधु कि आप हनीमून अपने बॉस के साथ मनाने आए हैं या मेरे साथ। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा था तू तो समझ सकती है ना। अच्छा, तेरी घड़ी में क्या बजा है? बापरे, 3:30। 3:30 ना। नीलू, हमें कोई अच्छी सी जगह देखनी चाहिए जहाँ छिपकर सब कुछ देख सके। चलो इधर आ। आज को सर्दी ज्यादा ही है। जी हाँ। आप बंबई से हैं? जी हाँ। और आप? मैं भी। वेटर, बिल ले आना। बिल एक साथ बनाओ। नहीं नहीं, अलग अलग। हम लोग शायद पहले कभी मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं। ओ, ए मिस्टर, आपके कुछ कागज गिर गए नीचे। थैंक यू। मधु, क्या है? बहुत डर लग रहा है। डरपोक, हिम्मत रख, कपकपी छूट रही है। मैं जाती हूँ बाबा। जा, और जिंदगी भर उस बदमाश के पंजे में पड़ी रहे। बे, आप? आप? जी हाँ, वो मुझे क्या है कि 4 बजे दोस्त से मिलना है, वो ऊपर।
मुझे भी 4:15 बजे एक दोस्त से मिलना है नीचे। अच्छा 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 अच्छा, इत्तेफाक है नीचे ऊपर। क्या बजा है इस वक्त तेरी घड़ी में? 4। मधु, अगर आने वाला होता तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना? लेकिन नीलू, अगर वो अड़ गया कि मेरी चिट्ठियां पहले वापस कर दो तो? तो हम दोनों उस पर टूट पड़ेंगे, आज चिट्ठियां छीन के ही रहेंगे। शाबाश। अरे सुनना, मधु, मैं मर गई। क्यों? अरे मेरे पति इसी तरफ आ रहे हैं। क्या, ये लफंगा तेरा पति? अरे ये तो वही लफंगा है जिसने मेरी जिंदगी आधी कर रखी। तेरी तो आंखें खराब हो गई हैं। अरे बाबा, ये मेरा पति है, जरूर उस शैतान ने खबर कर दी होगी, इडियट। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, तू अपनी आंखों का इलाज करा। अरे ये तो वही बदमाश है जिसने, मेरा पुराना आशिक। बापरे, अब फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ गया। नीलू, मेरे पति को कैसे पता चला मैं यहाँ? तेरे पति? क्या हो गया बाबा तुझे? अरे ये तो वही 420 है। नीलू, मेरे पति के लिए गालियां मत लिखा। नहीं मधु, मैं सच्ची कहती हूँ, ये वही शैतान है, इसी ने मेरी जिंदगी तबाह की। ये तो सोचने दे मुझे। आप? हाँ मैं भी। मौसम अच्छा है, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं भी यही पूछता हूँ, आप यहाँ कैसे? नीलू, तेरे पुराने आशिक का नाम क्या है? चंद्रकांत। यही तो मेरे पति का नाम है। और तेरे उसका नाम? विकास। सत्यानाश। अरे यही तो मेरे पति का नाम है। मधु, तूने मेरे प्रेमी से शादी कर ली, अदला बदली सब गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं नीलू, यहाँ। मेरा ख्याल है मैं चलूं। मैं भी सोचता हूं मैं चलूं। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, मेरी पत्नी। अरे मेरी भी। अभी खबर लेते हैं कि। अरे भागो घर है मिस्टर, तुझे मुझे बता दिया। चिट्ठियां लेने आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने जा रहे हो। वही तो जा रहा हूँ, ये करीब का रास्ता है, बैठ जाऊँ? करीब का रास्ता है, पहले मेरे करीब आओ। तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? ऑफिस के कागज है। कागज? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। और वो तुम्हारे चेयरमैन कहाँ है? चेयरमैन? ये ये चेयरमैन है नंबरी 420। तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं। जेब में क्या है? नहीं, निकालो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कैसे मुझे नहीं मालूम, किसी ने जेब में डाल दिए होंगे। झूठ। मधु, यही ना तेरी चिट्ठियां? ले ये तेरी। हाँ साहब, बोलिए अब क्या कहना। मुझे कुछ नहीं कहना। मधु, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब जो भी है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम मेरी सहेली से प्यार करते हो? मैं तुम? मैं नहीं। अगर किसी हद तक हम गुनहगार हैं तो क्या ये दोनों नहीं है? मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम अपनी पत्नी के मुंह पर कालिख लगाना चाहते हो? तुम भी? नहीं, मैं तो मामले को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं साहब, 2 और 2 = 4 आप लोगों के लिए हो सकते हैं, हम दोनों के लिए नहीं, समझे? चल मधु, चल। नीलू, मधु, नीलू, मधु, मुझे छोड़ के मत। नीलू, मधु, नीलू, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसे ऐसी गलती मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम देवी हो, महान हो। तो वादा करो तुम दोनों कि कभी किसी औरत पर नजर नहीं डालोगे अपनी पत्नी को छोड़कर। मैं किसी औरत पर नजर नहीं डालूंगा अपनी पत्नी को छोड़कर। हाँ, और ये भी वादा करो कि हमेशा अपनी पत्नी के आज्ञाकारी पति बनकर रहोगे। मैं ये भी वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी का आज्ञाकारी पति बनकर रहूंगा। हाँ,
और ये भी वादा करो कि मैं किसी से कोई चिट्ठी वापस नहीं मांगूंगा, ना अभी ना कभी। बोलो। मैं किसी से कोई चिट्ठी, ये कुछ जाती नहीं हो रही है मिस्टर। ठीक है तो हम चले। नहीं नहीं नहीं, जो तुम कहोगे हम मानने के लिए तैयार है। ए मिस्टर बोलो ना। और कर भी कह सकते हैं, मैं किसी से कोई चिट्ठी वापस नहीं मांगूंगा, ना अभी ना कभी। मर गए। अरे अरे, ये सब मेरे क्लाइंट तो नहीं, ये कैसे हो सकता है, देखूं तो। कहां चले नारद जी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं तो उन्हें मुबारकबाद देने जा रहा हूं। मालूम होता है आप लोगों ने अपनी समस्याएं मेरी मदद के बगैर ही हल कर ली है। जी हाँ वकील साहब, अब हमें ना आपकी कोर्ट कचहरी का डर है ना तलाक वाला का, क्यों नहीं लूं? बिल्कुल ठीक मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सही वक्त पर सही सलाह देने के लिए। हमारी शादियों को बर्बादियों से बचाने का सेहरा आपके सर पर है। अच्छा अच्छा, तुमने ऐसी क्या सलाह दी थी डियर? एक ही सलाह कि तुम जैसे नारद से कोसों दूर रहो, और नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है। वाह 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 वाह, ये सलाह दी थी। वकील की बीवी हो ना, मैं भी कुछ इसी लाइन पर सोच रहा था। जी हाँ मैं जानती हूँ तुम किस लाइन पर सोच रहे थे, अब अपने तलाक के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, वादा वादा करता हूँ योर ऑनर, अब कभी डाइवोर्स के केस को हाथ नहीं लगाऊंगा, डाइवोर्स के लफ्ज को मुंह से नहीं निकालूंगा। चलो मिस्टर, ये रहे आपके रुपए। 100 रुपए। ये लो। मैं आपका वकील, ना आप मेरे क्लाइंट। वकील साहब वो एक नई कविता लिखी है सुनते। टाइम नहीं है, वहां मेरा डिवोर्स होने वाला है इस उम्र में भी। देवी जी अब अपनी धमकी वापस ले लीजिए। तो पकड़ो मेरा हाथ। ये पकड़ा। चलो। ये चला। कहने बातें मन की, आओ मिलकर सुलझाने हम उलझने जीवन की, आओ देखें हम जीवन में फिर न काय बिखरना, जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना, जीवन है एक सपना मधुर सुहाना सपना।